इधर खंडवा में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा के नाम से आयोजित किए जा रहे विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के कुछ मुस्लिम युवाओं ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आयोजन समिति पर टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। इसको लेकर कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से भी सफाई पेश की गई। बता दें कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खंडवा विधानसभा क्षेत्र की 32 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। खंडवा शहर में आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसे विधायक कप से संबोधित किया जा रहा है, जो विधायक कप विधायक महोदय के तत्वाधान में चल रहा है और ये जिमखाना खंडवा ग्राउंड जो है लेदर ग्राउंड है हमारा उस पर चल रहा है। उसमें एक इन्होंने विचित्र बात रखी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महान खेल में इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसा कोई विवाद का विषय नहीं है। उसमें विधायक जी और उसकी जो उनकी जो समिति बनी है उनने जो निर्णय किया था उसके हिसाब से वो कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में सब साथ में क्रिकेट खेलेंगे। विधायक कब तक नाम मात्र है, विधायक कब के बाद में आने वाले जो क्रिकेट के खेल होंगे उसमें सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर खेल हम खेलेंगे। खिलाड़ी सबको खिलाया, पहले भी खिलाया, अभी 32 टीमों का हमारा एक कॉन्सेप्ट था। हम क्या है कि 1 तारीख को बाहर जा रहे हैं और 21 तारीख को हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ, 29 तारीख को ख़त्म होगा, एक दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, उसके बाद हमको जाना है। तो आप देखिए हमारे फ्लेक्स उस पर लिखा है कि 32 टीमों को पहले जो 32 टीमें आएंगे उनको एंट्री दी जाएगी। हमारे पास उसके बाद भी पोदार स्कूल के आया, रामनगर से हम खबर है, राहुल मेहता का फ़ोन आया था कि हमें टीम को खिलाना है, तो हमारी 32 टीमें हो गई थी, उसके बाद हम एंट्री दे नहीं पाए। और खबर खंडवा से, यहाँ पर बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। क्रिकेट टूर्नामेंट पर छिड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जो टीम पहले आई उन्हें एंट्री दी गई। देवेंद्र वर्मा का धार्मिक भेदभाव के आरोप पूरी तरीके से निराधार है। क्रिकेट टूर्नामेंट पर छिड़े विवाद पर News24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार से कोई भेदभाव वाला विषय नहीं है, ये मनगढ़ंत आरोप है। हम प्रति वर्ष अनुसार टूर्नामेंट इस प्रकार के कराते हैं और इस वर्ष भी कराएं और जो पहले टीमें आई हैं उन लोगों को एंट्री दी गई है। इस प्रकार का आरोप पूरी तरह से निराधार है। इमरान, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति है वहां पर। एक तरफ कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट में दोनों ही लोग खेलेंगे और दूसरी तरफ जो मुस्लिम युवा हैं वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। असल वजह यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर इस मामले में प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, असल में आपको बता दूं कि चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ है, वो भी सत्ताधारी विधायक से जुड़ा हुआ है, तो जो जिला प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने इस पूरे मामले पे चुप्पी साधी हुई है। हालांकि इसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी जिला अध्यक्ष खुल के सामने आए और उन्होंने कहा कि विधायक कब तक छोटा सा कप है, आगे चल के हम जो भी आयोजन इसे करवाएंगे उसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है कल शुरू हुआ था, क्योंकि कल विधायक कप की शुरुआत हुई थी उसमें कुछ टीमें हिस्सा लेने के लिए गई थी लेकिन उनको टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं दिया, उसी के विरोध में ये जो है टीम के कुछ कप्तान ज्ञापन लेके कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचे थे। उनका आरोप था कि हम चुके सभी खिलाड़ी एक वर्ग विशेष के होने के कारण हमको जो है इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया जा रहा है। उनके आरोपों के बाद जब हमने आयोजकों से बात करी तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये टीमें जो जितनी भी टीमें हैं 5 से 6 टीमें इनका आरोप निराधार है। ये जो टूर्नामेंट की जो 32 टीमें थी उनकी एंट्री के बाद ये लोग आए हैं इसलिए उनको मना करा गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इसमें आपने दर्शकों ने देखा भी था कि विधायक ने कुछ सफाई दिए। News24 एमपीसीसी से बातचीत करते विधायक देवेंद्र वर्मा ने खुद कहा था कि पहले जो आयोजक होते थे उसमें हम 150 टीमों को इसमें लेते थे लेकिन इस बार कोरोना के बाद से जो आयोजक है वो छोटा आयोजक है, इसमें 32 टीमों को हिस्सा लिया गया क्योंकि अब कोरोना चले गया, धीरे धीरे करके इसकी हमने शुरुआत करी थी, आगे चल के इस तरीके के बड़े आयोजन कराएंगे और उसमें सभी टीमों को शामिल करेंगे। बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक कप को लेकर इस वक्त विवाद हो रहा है, वजह आपके सामने है। यहाँ पर एक विशेष समुदाय साफ तौर पर यह कह रहा है कि चूंकि वो विशेष समुदाय से आते हैं इसलिए उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है।